सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अपनी उम्र कैसे निकालें, अपनी आयु कैसे निकालें। तो आज हम बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से अपना, अपने दोस्तों की आयु उम्र निकाल सकते हैं। चलिए जैसे निकालने के लिए उदाहरण के अनुसार आपको बताते हैं। सबसे पहले जिस दिन से निकालेंगे, आज की तारीख लिखेंगे। सबसे पहले माना हम आज की तारीख 22/7/2020 है, आज की तारीख लिखेंगे और जन्मदिन लिखेंगे। जिसका भी हमें निकालना होगा उम्र, उसकी हम जन्मतिथि लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी की जन्मतिथि हमारी है 5/8/1998। तो हम करेंगे क्या, इसको हम घटाएंगे। घटाने में हमारा इस तरफ से होता है, लेकिन हमारा इस तरफ से होगा। तो हम क्या करेंगे, 22 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 17 हो गया। देखिए यहाँ 7 में से 8 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे। एक उधार लेने का मतलब है यहाँ से एक वर्ष उधार जाएगा, और एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीने होते हैं। यहाँ से एक वर्ष उधार लेंगे तो एक वर्ष महीने में हम जब जोड़ेंगे तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 और 7 मिलकर ये 19 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 2019 बचा। तो क्या करेंगे, 19 में से 8 को घटाएंगे तो 11 हो गया। 2019 में से 1998, 9 में से 8 गया 1, और क्या हो गया, 21। तो हमारा ये उम्र निकल कर आ गया है, 21 वर्ष 11 महीने 17 दिन हमारा उम्र आयु निकल कर आ गया है। आयु आयु हमारा क्या हो गया, 21 वर्ष 11 दिन 17 दिन 21 वर्ष 11 महीने 17 दिन ये हमारा क्या हो गया, उम्र निकल कर आ गया। चलिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए जैसे हम एक लेते हैं 5/6/2020, माना कि आज की तारीख 5/6/2020 है, और किसी का जन्म मान लेते हैं 27/9/2000 में हुआ था। मान लेते हैं किसी का जन्म 27/9/2000 को हुआ था, मान लेते हैं आज की तारीख इतना है। तो हम इसका जन्मतिथि कैसे निकालेंगे, चलिए हम निकालते हैं जन्मतिथि। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 5 में से 27 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे। ये महीना, महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो हम एक उधार लेने का मतलब इधर से हम 30 दिन उधार लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 महीने बचेगा। तो ये 35 में से 27 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 में से 27 को घटाएंगे तो 8 हो गया। 8 हो गया, यहाँ क्या बचा, 5, 5 में से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे। एक उधार लेने का मतलब यहाँ से हमारा एक वर्ष में कितना महीना होता है, तो 12 महीना, तो 12 हो गया। तो अब ये मिलकर कितना हो गया, 17 हो गया। 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 2019 बचा। 2019 में से 2000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो उसकी आयु निकल कर क्या आई, 19 वर्ष 8 महीने 8 दिन। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए हैं। इसी प्रकार आप किसी का भी आयु निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।